प्रत्याशियों का क्या माहौल है उनका? राहुल गांधी बुरी तरह हारेंगे, यहाँ से डर के हार के डर से भाग गए रायबरेली। श्रीमती स्मृति ईरानी विजय होंगी। दूसरी बात, स्मृति ईरानी जो 5 साल में दे दिया वो राहुल गांधी ने 20 साल में नहीं दिया यहाँ पर। तो सारा पास योजना राहुल गांधी का ही था ना? कुछ नहीं था, उनका टाइटा फिस था। अमेठी हो चुकी है अब जिसकी दीवानी, उनका नाम है स्मृति ईरानी। उनकी खूबसूरती पे काम पे दोनों है उनके अंदर। चुनाव जैसे कि लड़ाई होती है कि अगर राहुल गांधी स्मृति सामने आमने होती तो अब तरफा लड़ाई हो गई। स्मृति कैंडिडेट कहते हैं कि मुस्लिम हमारा है। नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, वो क्या मुस्लिम के ठेकेदार हैं क्या? क्या लगता है कौन इस बार है? अब की बार 400 पार। चार सौ पार ऐसा कह लिए बोले? 400 पार है आपकी। क्या नाम है आप? मोहम्मद सोराब। मोहम्मद नाम सोराब। नमस्कार, मैं हुरकेश्वर से, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं इस समय अमेठी पहुंच चुका हूं, हमारी टीम पूरी अमेठी पहुंच चुकी है और अमेठी का जो चुनाव है वो समीकरण इस समय और तेज हो गया है। लोगों की चर्चा के विषय अमेठी बन गया है। रीजन क्या है कि यहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जैसे मेरे पीछे एक ये मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, लमसम 1.5 से 2 साल के करीब, 1322 सन 1322 यहाँ पर दिखा रहा, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, इसका मतलब लगभग 150 साल पुरानी ये मस्जिद है। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, ये चौक भी है, चारों तरफ आप अगर यहाँ का नज़ारा देखें तो ये बहुत ही व्यस्त चौक है। कहीं ये जाम के झाम में भी फंसा हुआ करता था, आज थोड़ा सा राहत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी समस्याओं का निदान हुआ है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर स्मृति ईरानी जी सांसद रही हैं, उन्होंने इस पर कुछ काम किया है, इस बार का माहौल क्या है वो यहाँ के ही लोग अच्छे से बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं से जानेंगे, पूछेंगे। चाचा यहीं से आप हैं? नहीं भैया, हम नहीं हैं यहाँ के। आप यहाँ के नहीं हैं? वोट नहीं करते क्या? नहीं। चलो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करें। चौक पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ जाम बराबर लगा रहता है, क्या वैसी स्थिति अभी भी है कि बदल रहा है? जाम तो अभी भी लगता है। जाम अभी भी लगता है, बहुत सारे फ्लाईओवर बन चुके हैं, क्या उसका फर्क नहीं पड़ा? ना ही कहाँ फर्क पड़ा, वो जाम लागत है, देख लिया अपने आखिर, देख लिया, बताओ जाए ना बताओ। आपकी समस्या है, अब आपकी समस्या का निदान कौन कर पा रहा है? 5 साल इसमें यही रह रही हैं, उसके पहले राहुल गांधी थे, तो क्या लगता है इस बार कौन रहेगा? सब राहुल गांधी के पास करा रहा ना, अब इन सब स्मृति ईरानी वही करत यहाँ दोहरावत यहाँ, और का कानून कांग्रेस के जमानत सब पास बा। काम तो इन्होंने किया, नाम तो ये ले रहे हैं। हाँ नाम लेता है, यही सब देखा। और का राहुल गांधी अपने समय में क्यों नहीं कर दिए? राहुल गांधी केंद्र सरकार में सरकार बनत रही, उत्तर प्रदेश में सरकारें नहीं बनती, अब क्या कह पाऊँ, इसलिए रुका हुआ था। सही बात बोल रहे हैं शायद यहाँ के लोग, क्यों चाचा बात इनकी बात सही है? चलिए और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे। भाई साहब आप यहाँ पर क्या बिजनेस करते हैं? बर्फ का बिजनेस है जी। सब कुछ गर्मी में कूल कूल कर रहे हैं जी। तो प्रत्याशियों का क्या माहौल है उनका, कैसा है? राहुल गांधी बुरी तरह हारेंगे, यहाँ से डर के हार के डर से भाग गए रायबरेली। माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी विजय होंगी दूसरी बार। एक ही गेट पर दो दुकानदार, दोनों बर्फ का धंधा करते हैं और दिमाग कूल करने काम करते हैं। एक लोगों ने कहा कि राहुल गांधी के दिए हो सब कुछ है, आप कह रहे हो कि स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी जो 5 साल में दे दिया वो राहुल गांधी ने 20 साल में नहीं दिया यहाँ पर। तो सारा पास योजना राहुल गांधी का ही था ना? कुछ नहीं था, उनका टाइटा फिस था मामला। हाँ जो दिया नहीं, नहीं, नहीं लोगों कहना है, आप ही के भाई बंधु बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने पास किया, इसमें ने काम कर दिया राहुल गांधी, इसलिए कर पाए कि उनकी सरकार ने सिर्फ ऐसे से किया है। पब्लिक को अमेठी की जनता उसी पैसे से किया है। अब बार यहाँ की जनता क्या करने वाली है? दीदी स्मृति ईरानी ने यहाँ पर काम किया है, तो यहाँ की जनता इस बार क्या करने वाली है? ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? स्मृति ईरानी फुल बहुमत से जीतेंगी यहाँ पर, फुल बहुमत से। राहुल गांधी अपने हार के डर से रायबरेली भाग गए हैं। अच्छा एक समस्या और है जो मेरे पीछे दिख रहा है, छुट्टा जानवर। ये तो प्राकृतिक देन है, ये तो देखिए ये प्राकृतिक देन आप बता रहे हैं। ये तो कुत्ता बिल्ली जानवर तो आते जाते, इससे सरकार से क्या मतलब लेना देना है? है भाई ना? उनके आदेश हुआ कि गौ हत्या बंद हो, जानवरों कोई प्रताड़ित ना करे और कुछ पकड़ने नहीं जाएगा, उनको खुला छोड़ दो। किसके कहने पे? सरकार जो है योगी सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने कानून बना दिया है कि गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। जो यूपी में सुरक्षा है बीजेपी की सरकार में, वो किसी सरकार में सुरक्षा नहीं थी आम पब्लिक की। यानी आम पब्लिक की अगर बात करें तो वो टिकेगा नहीं इस बार, फिर से स्मृति ईरानी साहब जा स्मृति ईरानी जीतेंगे विक्ट्री। भैया इनकी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। पहले अमेठी हो चुकी है अब जिसकी दीवानी, उनका नाम है स्मृति ईरानी। उनकी खूबसूरती पे काम पे दोनों है उनके अंदर, दोनों है उनके अंदर बिल्कुल। मेरे तो पसंद अभिनेता भी हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन, उनका सीरियल मैं बहुत देखता था। स्मृति ईरानी जी अगर आप मेरी खबर देख पा रहे हैं तो आपके बड़े फैन से हम मुलाकात कर रहे हैं और इस बार चुनाव भी नजदीक है, तो क्या करेंगे अपने फैन के लिए? क्या करेंगे, उनको वोट दिया जाएगा, उनको जिताया जाएगा, और क्या जिताया जाएगा बिल्कुल। वो यहाँ के लगातार सांसद बनी रहेंगे क्या? बिल्कुल बनेंगे, इससे आपको क्या फायदा?
फायदा नुकसान की क्या बात है, सब अच्छा विकास हो रहा है। अब कांग्रेस में इतना विकास अभी तक हुआ नहीं जितना बीजेपी। आपने पसंद के अभिनेता से आप जब चाहे मिल भी सकते हैं? बिल्कुल, अगर 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 मीडिया में कहीं मुझे वो देख रही होंगी तो इतना तो लाइक जरूर कर लेंगी। नाम क्या है? मोहम्मद असलम। असलम जी, एक बात बोली जाती है कि जो मुस्लिम क्षेत्र है वो सपा का वोटर है, ये सब कहने की बात है, अपनी अपनी मानसिकता है। अच्छा, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है ये जी, तो वोटर परसेंटेज ज्यादा होगा मुस्लिम का, ये अपनी अपनी सोच की बात है कौन देगा वोट कौन नहीं देगा, लेकिन मेरा विश्वास है कि स्मृति ईरानी जीतेंगी। बस स्मृति ईरानी जीतेंगे। हाँ, मेरा विश्वास। तो आप लोगों के सहयोग का तभी तो जीतेंगे। अब आपको एक बात हम बता दे रहे हैं कि भाजपा ने चलाई ऐसी आंधी, बेचारे उड़ गए राहुल गांधी, यहाँ से टिकट कट गया। तो लोग कुछ भी बोलेंगे, उनके मन की बात है वो बोलेंगे भी, लेकिन ये सब्जी पुरानी मंडी है, यहाँ के लोगों की बात है। खौफ था, डर था, क्या क्या बातें हो रही भैया? डर था क्या राहुल गांधी के हार गए इसलिए नहीं? मैं राहुल गांधी डर गए। डर गए? सही में डर गए? हाँ। अरे स्मृति ईरानी यहाँ गिर रही है बंपर रोड से। बंपर रोड से जीत रही है। हाँ। नाम के बदौलत? मैंने नाम के बदौलत जनता इनको पसंद कर रही है ना, स्मृति ईरानी यहाँ जीत रही है, जनता पसंद कर रही है। और भी जनता से मिलेंगे, जनता की बात करने वाले अभी तो खाली है, तो बात तो की ही जा सकती है ना। अब आगे तो आपका तो धोख का काम होगा, है ना? क्या नाम हुआ? मोहम्मद अफजल। अफजल जी, क्या लगता है इस बार अमेठी किसको जा रही है? अमेठी में चुनाव जैसे कि लड़ाई होती कि अगर राहुल गांधी है स्मृति सामने आमने होती, तो अब एक तरफा लड़ाई हो गई स्मृति की तरफ। देखो जो होता है, जैसे पार्टी के नाम पे भी वोट जाता है, कांग्रेस है कोई भी खड़ा कर देगा, और अगर वो आपका बीजेपी है किसी भी खड़ा कर देगा, तो वोट तो पार्टी पे भी जाता है। पार्टी की बात नहीं है, दरअसल क्या पार्टी साथ साथ काम भी देखा जाता है, विकास भी देखा जाता है, तो और कहीं ना कहीं जाति भी देखी जाती है चुनाव में। जात यहाँ जात से कोई मतलब नहीं है। सपा कैंडिडेट कहते हैं कि मुस्लिम हमारा है। नहीं, जात से कोई मतलब नहीं, वो क्या मुस्लिम के ठेकेदार हैं क्या? ठेकेदार तो लेते हैं, बिल्कुल ठेका लेते हैं। कुछ कोई ठेकेदार नहीं है, ठीक ना? वैसे जी ठेका लेते हैं कि सब हमारे मुस्लिम भी? कोई ठेकेदार नहीं, ठीक ना? हम लोग खुद स्वतंत्र हैं। भाजपा की नीति आपको अच्छी लगती है? कोई अच्छी है क्यों नहीं, नीति भी अच्छी है, काम भी अच्छा है, योजनाएं भी ठेकेदार कहते हैं कि यार यहाँ डर लगता है रहने में। नहीं, डर वाली बात नहीं है, जैसे लोग आपस में ही लोग भय बनाते हैं, बाकी और तो कोई ऐसा नहीं प्रशासन तरफ से। मेरे सवाल इसलिए कटु हैं कि जनता की बात अगर नहीं निकल के आएगी, उनके मन की बात नहीं निकल के आएगी, तो कुछ नहीं, तो मेरी बात अन्यथा मत लीजिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये माहौल बनाया जाए। नहीं नहीं नहीं, डर कोई भी प्रकार का नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, सब आजाद हैं, तो कोई दिक्कत नहीं किसी। देश एकजुट हो रहा है, वो जात पात से हट रहा है। जात पात से कोई मतलब नहीं, ठीक ना? कोई मतलब। तो भैया इनकी बात से सहमत है आप? जी जी। अच्छा जल्दी में, तो जो बात है वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, तो इसलिए अच्छी बात है। चाचा जी वोट करते हैं? हाँ जी। यहीं से हैं? हाँ हाँ। क्या लगता है इस बार कौन आ रहा है अमेठी में? अब अमेठी में भैया जोन जैसे है, अब क्या बताया जाए, यही जैसे भी है ठीक है, अभी तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। नहीं समझ में, 5 साल स्मृति ईरानी जी का काम देखा, उसके पहले राहुल गांधी जी का काम देखा, और फिर दोनों लोग आम सामने हैं, तो समझना क्या है? दोनों लोग काम देखा है, अब किसको चुनेंगे ये बताइए। काम तो देखा है, पर काम हो जाने के बाद अब यही सही कुछ देखा है जो देख रहा हूँ, बाकी तो अब राहुल गांधी जी कभी आए यहाँ से मतलब। भैया दुकानदार साहब आपसे मिलने आए थे, बात करने आए हैं, क्या लगता है इस बार कैसा है माहौल? तो अच्छा है। इसके लिए आपके लिए या प्रत्याशियों के लिए? सबके लिए, मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। क्या लगता है कौन इस बार आ? आपकी बार 400 पार। आपकी बार 400 पार, ऐसा कह लिए बोले 400 पार है आपकी? क्या नाम है आप? मोहम्मद सोराब। मोहम्मद सोराब, सोराब सोराब जी, ये जो मंडी है मेरे ख्याल से सभी मुस्लिम भाई हैं यहाँ पे, सभी मुस्लिम भाई जी। मैं ऐसी मंडी में आता है, ऐसे क्षेत्र में जब घूमता हूँ, इस बार में ये आता है कि यार यहाँ सपा के कैंडिडेट मिलेंगे नहीं, क्या है कि मुस्लिम जो है कैंडिडेट की तरफ भागता है, सपा की तरफ है, ऐसे कैंडिडेट माहौल ही वैसा हो गया है कि भाई वही यही है माहौल। अच्छा माहौल है या कैमरे का? ये बताइए भैया, कैमरे का डर तो नहीं है कि बोलेंगे तो? कैमरे की डर काहे करेगा भाई, कैमरे का डर होता तो हम तो योगी जी खिलाफ बोल दिए तो पता चले कल दुकान पे छापा पड़ जाएगा। ऐसा क्यों? ये दिल की हंसी है।
नहीं, दिल की तो हंसी है, बिल्कुल हंस रहे हैं कुछ में किसी। अगर मेरी खबर स्मृति ईरानी जी जा रही है तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस के जो सपोर्टर है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, वो तो भैया आप लोग बात सुन के तो क्या उनके दिल पे लुटेगी। लेकिन मैं तो सच्चाई जानने आया हूँ, क्यों भैया सच्चाई बात बोल रहे हैं? सच्चाई तो है ही है भाई, सच्चाई जानने आया हूँ। तो ये पुराना मस्जिद है भैया, ये पुरानी मस्जिद में पुराने लोग भी मिलेंगे, नए लोग भी मिलेंगे, हम उनसे सबसे बात करेंगे और जानेंगे। पढ़े लिखे 100 रुपया 100 रुपया तो इस बार कौन सा 100 पार या 400 पार? राहुल राहुल 100 पार 100 पार 100 पार, लेकिन 100 में तो सरकार भी नहीं बनेगी। अरे बनेगी ऐसे, अरे 100 पार जैसे 400 पार होगी वैसे 500 भी पार हो सकती है, गठबंधन करके बनेगी तो प्रधानमंत्री के लिए भी लड़ाई होगी। होगी ना, आज दुकान आपकी यहाँ कल वहाँ, कैसे चलेगा? यही चलेगा, चलता रहेगा, लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होगी, चलती रहेगी, चलते रहेंगे। ज्यादातर साथी तो कह रहे हैं कि यार भाजपा फिर से जीतेगी। नहीं नहीं, यहाँ से आपकी बार नहीं जीतेगी, आपकी नहीं जीतेगी, आपकी नहीं जीतेगी, कौन? एक कारण बताइए। ये राहुल गांधी का क्षेत्र है, राहुल गांधी लड़ भी तो नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ? रावली कहाँ चले गए? रावली चले गए, यहाँ से उनको जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, यहाँ तो फिर राहुल गांधी भी जिता रहे हैं। राहुल गांधी देखिए, मन की बात है, लोग अपनी बात पर टिके रहते हैं। जैसे मैंने भैया से एक सवाल किया था कि आप मुस्लिम हैं फिर क्यों वोट कर रहे हैं, तो बोले मेरे मन की बात है। उसी तरह आपने मन की बात कही और ये सारा क्षेत्र था, ये सारे थे, क्यों भैया आप वोटर नहीं हैं? चलिए तो ये थी, और ये पुरानी मंडी है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अंदर कितना बड़ा क्षेत्र है ये मैं देखूंगा। और अभी लोग खाली बैठे हैं तो इनसे जानेंगे भी, खाली हैं तो बात तो किया जा सकता है, क्यों भैया खाली है तो बात तो किया जा सकता है, बताइए। चुनाव होने वाला है, प्रत्याशी आए कोई आपसे मिलने? कोई नहीं आया। वोट किसको करेंगे? वोट हमारे व्यापारी अध्यक्ष हैं राजेश मसाला जी, जिधर कहेंगे उधर वोट जाएगा। अच्छा? पार्टी कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, जो हमारा तकलीफ समझे उसी को वोट दिया जाएगा। अच्छा, मान लो राजेश अध्यक्ष जी अभी आपके बीजेपी के साथ में है, कोई अनबन हो जाए या कोई लालच आ जाए, वो चले जाए कांग्रेस में, तो कांग्रेस में देंगे, कांग्रेस में देंगे। तो ये भी एक गुडविल है, ये भी अच्छाई है कि लोग इतने दिल में राज कर लिए हैं कि वो डिगेंगे नहीं। भाई हम लोग जाते हैं, अगर कोई समस्या हमको होती है तो हम राहुल गांधी से स्मृति ईरानी थोड़ी मिल पाएंगे, हम तो इन्हीं के पास जाएंगे, 24 घंटे मिलेंगे। तो राजेश जी तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी को वोट है, बीजेपी को वोट है, तो ऐसे भी लोग हैं। अभी आपसे भी बात कर लेंगे चाचा जी से, आप कह नहीं बताएंगे, आप वोट नहीं करते? अरे करीबी में राजेश मसाला है, उन्हें जो करी तो उन्होंने, उन्हें लगे जाई जाई उन्हीं लगे जाते हैं, तो ये उन्हीं की वजह से ये सब धंधा पानी तो नहीं चल रहा है? अब कमाए हमको नहीं किया होता, हम सब मेहनत करते हैं, अपन खाद कमाते हैं, बस उनकी कुछ अच्छाइयां तो होगी, जिसकी अच्छाइयां है कि कभी शांति से सब कुछ काम चल रहा है, बस शांति कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत शांति है। तो ये माहौल है जिसपे हम लोगों ने बात किया, चर्चाएं की, इन चर्चाओं पे लोगों ने अपनी बात रखी। अमेठी के माहौल यहीं तक नहीं सीमित रहेगा, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो अमेठी कोने कोने से आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, और बचे हुए दिनों में आपको हर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए लाइव टीवी एक्सप्रेस से, और आपको घर बैठे इन सब चीज़ों का नज़ारा लीजिए और इन्जॉय करिए, साथ ही मंथन भी कीजिए कि इस बार कौन